लीजिए। ये सुबह सुबह चाय का प्याला है जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तमाम मॉर्निंग वॉकरों को दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देखे होंगे कि किस तरह से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ यहां पर चाय का प्याला सभी को पकड़ा रहे हैं, और ऐसे में चुनाव आ गया है और ये चुनाव को लेकर जिस तरह की अब चीज़ें हो रही हैं, वैसे में कहा जा सकता है चुनावी सरगर्मी के बीच ये चाय का प्याला निश्चित रूप से मतदान बढ़ाने वाला होगा। मतदान के लिए सभी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और लोगों को प्रयास किया जा रहा है। इस समय बात करते हैं संजय सेठ जी से, जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो चाय पिला रहे थे उनसे बात करते हैं। सर, मॉर्निंग का समय है और चाय का प्याला भी हाथ में है और मतदान भी है साथ में, कैसे मतदान इस बार बढ़ाएंगे, क्योंकि जो शहरी मतदाता है वो कम वोटिंग करता है? नहीं, देखो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और हम सबको बढ़ चढ़ कर मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान करेंगे तो हम सही व्यक्ति को अपनी आवाज बनाएंगे। और मतदान इसलिए जरूरी है कि ये आपका अधिकार है, उस लोकतंत्र का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और तो मेरा ये मानना है कि इस बार मतदान बड़े पैमाने पे होगा, क्योंकि जो बांग्लादेशी मुसलमान जो राज्य में घुसकर अशांति फैला रहे, हमारे बेटियों से प्रलोभन देकर शादी करना, फिर उनकी जायदाद हड़पना और उसके बाद उनके माध्यम से मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य बनाकर सत्ता पे काबिज होना, और इसीलिए डेमोग्राफी बदली। आप रांची में देख लो, रांची में जितने दिहाड़ी मजदूर हैं जो 250-300 में काम करते थे, वही बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसकर घुसपैठी आ गए वो 150-200 में काम करते हैं। तो किसका रोजगार मारा गया, किसके बच्चे भूखे रहे? तो इस बार घुसपैठियों को भगाना है। और मेरा मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसे जितने घुसपैठिए मुसलमान बांग्लादेशी हैं उनको चुन चुन कर बाहर निकालना होगा। और मैं तो उसका बात का समर्थक हूँ, योगी जी का। योगी जी ने स्पष्ट कहा और आज की डिमांड है कि बटोगे तो कटोगे, और वो बटोगे कटोगे ये कोई चुनावी नारा नहीं है, यह स्पष्ट संदेश है। अभी आप देखो किस तरह मूर्ति विसर्जन के ऊपर कितना उद्दंड हुआ, कोई कल्पना कर सकता है कितनी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दे, नाखून उखाड़ लिए जाए, आंख में कील गाड़ दी जाए और 32-32 गोलियां मारी जाएं किसी व्यक्ति को। तो अब स्पष्ट संदेश है कि जो हम कोई मुसलमान के विरोधी नहीं है, किंतु जो देश के साथ खड़े हैं मुसलमान भाई, उनके साथ खड़े हैं जो देशद्रोही हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मतदान जरूरी है, मतदान जरूरी है। और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि इस बार मतदान का जो प्रतिशत रहेगा वो कैसा रहेगा, क्योंकि सारी मतदाता घर में बैठते हैं मतदान के दिन। इस समय चुनाव का वक्त बिगुल बज चुका है और तमाम प्रत्याशी भी अब उतर रहे हैं। मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ेगा, जैसा कि अभी संजय भैया के स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली था कि यहाँ पे डेमोग्राफी जो चेंज हुई है और बांग्लादेशी घुसपैठी जो आए हुए हैं, तो यहाँ के जो लोकल हैं, यहाँ के जो लोकल ट्रेवल्स लोग हैं और यहाँ के झारखंड के रहवासी हैं, वो इस बार जागरूक हैं, पूरी तरीके से वोट करेंगे और एक एजेंडा के साथ इस बार नई सरकार लाने की कोशिश की जाएगी जो देश हित में हो और हमारे देश को आगे की तरफ ले जा सके। ये मेरा संदेश है। ये बताइए, इस बार मतदान बढ़ाना है, मतदान कैसे बढ़ेगा? लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये महापर्व है, ये चुनाव नहीं है, ये आपके भाग्य के लिखने वाला है। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे, ये आपका अधिकार है, अपने अधिकार का सदुपयोग कीजिए
और अच्छे लोगों को चुन के भेजिए जो हमारे भाग्य भी जाता है, जो कानून बनाते हैं ताकि वो पढ़े लिखे लोग जाएं, अच्छे लोग जाएं, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें और देश को आगे बढ़ाएं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई गलत आदमी चुनाव जीत के जाए। इसे सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग सब काम छोड़ के पहले चुनाव में भाग लीजिए, सुबह उठिए, जलपान कीजिए, बाद में पहले वोट दे के आइए, बाकी काम बाद में करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और सही व्यक्ति का चुनाव होगा। सही व्यक्ति का चुनाव होगा कैसे इस बार, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग उस दिन हॉलीडे मनाते हैं, हॉलीडे और छुट्टी का परिवार के वक्त समय गुजारते हैं, लेकिन मतदान केंद्र पर जाना पसंद नहीं करते। इस बार विशेष रूप से चुनाव आयोग द्वारा और हमारे सरकार के द्वारा विशेष रूप से जो 18 और 19 वर्ष के जो लड़के हैं, विशेष रूप 11 लाख लोग जो है इस बार झारखंड में नए जुटे हैं, 11 लाख लोग, तो ये कहीं ना कहीं जो है मतदान को प्रभावित करेंगे और इस बार जरूर मतदान का प्रतिशत जो है बढ़ेगा। ये और क्या चुनाव आयोग को करना चाहिए कि मतदान का प्रतिशत और बढ़े, क्योंकि कई समस्याएं भी होती है मतदाताओं। इस बार घर में बैठ के भी मतदान की जो 85 वर्ष से ऊपर के लोग हैं या जो आने में असमर्थ है, तो उन लोग मतदान के 5-6 दिन पहले जो है वो एक एप्लीकेशन देंगे, शायद 7C या D है कुछ, मैं एग्जैक्ट नहीं कह पा रहा हूँ, तो उसको भर के देंगे तो उनके घर में जाके उनसे मतदान लिया जाएगा। तो इस तरह से मतदान की प्रतिशत को बढ़ाने के प्रयास किया गया है। मतदान के प्रतिशत इस बार चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, क्योंकि सारी मतदाता जो है वो काफी उस दिन हॉलीडे मनाता है, परिवार के साथ समय स्पेंड करता है, लेकिन मतदान केंद्र पर नहीं जाता। इसका ये साफ संकेत है कि जनता का कोई भी राजनीतिक दल हो उससे मोह भंग हो चुका है, उसको समझ में आ गया है कि यहाँ सिर्फ नारे हैं, काम कुछ नहीं होता है धरातल पर। लोगों का इसलिए मोह भंग हो रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल आएगा तो वो वही करेगा, जो विपक्ष में रहता है तो वो बातें बनाता है, जब सत्ता में जाता है तो वही काम करता है जो वो विपक्ष में रहते हुए करते। मतदान प्रतिशत बनाना है तो राजनीतिक दलों को अपनी साख को मजबूत करना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए लोगों का मोह भंग हो रहा है। लोगों का मोह भंग हो रहा है और तमाम लोग यहाँ पर हैं और मतदान को बढ़ाने के लिए खुद सांसद रांची के और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि किस तरह से मतदान को बढ़ाया जाए। ऐसे में सवाल बड़ा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में निश्चित रूप से मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ना चाहिए। और लोगों से बात करते हैं, आप बताइए कैसे मतदान बढ़ेगा। इस मतदान बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा इस राज्य में या देश में जो शिक्षित परिवार है वही लोग मतदान नहीं करते हैं, वो लोग घर में बैठे रहते हैं, खाली सरकार को कोसते रहते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आप मतदान रेशियो आप निकाल लीजिए रांची सदर विधानसभा का या कहीं का भी और एक रूरल एरिया विधानसभा का परसेंटेज आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि लोग क्या करते हैं। यहाँ केवल कानून बताते हैं विकास चाहिए, लेकिन वोट देने के लिए घर में सोया रहेगा, ये इससे इन लोगों को बाहर आना पड़ेगा। आप शहरी क्षेत्र में के तुलना में गाँव देहात में वोट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि लोग उसको इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ के लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है। जब तक शहरी क्षेत्र के पढ़े लिखे लोग जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ये संभव नहीं है, क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग आग्रह कर सकता है बट निभाना तो पढ़े लिखे जनता को है ना। आप कोई भी विधानसभा ले लीजिए शहरी क्षेत्र का, वहाँ वोटिंग परसेंटेज क्यों कम होता है, क्योंकि नेतागिरी करेंगे लेकिन बहू बेटी को वोट देने के लिए नहीं भेजेंगे, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पढ़े लिखे लोगों का। पढ़े लिखे लोगों को जागरूक होना होगा और तभी झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। खासकर शहरी मतदाताओं से तमाम लोग अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।